आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा गुप्ता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पत्र पेश किया। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जी हाँ, पाक पीएम इमरान ने इसके बाद आज आपातकालीन संसदीय बैठक बुलाई है। साथ ही पाकिस्तान ने सोमवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के कदम को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि नई दिल्ली का एक तरफा कदम कश्मीर विवाद की प्रकृति को बदल नहीं सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। जी हां, इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मामले में मध्यस्थता करें। ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान का समय इस वक्त सही नहीं चल रहा है, या कह लीजिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का। जी हाँ, भारत ने जब से पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है, तब से वहाँ महंगाई ने तो आसमान छू ही लिया है। आलू टमाटर के साथ लगता है कि वेडिंग हॉल भी महंगा हो गया है। जी हाँ, तभी तो अब शादियाँ प्रधानमंत्री निवास में होने लगी हैं। जी हाँ, ये खबर एकदम सच्ची है। पाकिस्तान के अब प्रधानमंत्री इमरान खान ट्रोल हो रहे हैं इस वक्त, और वो ट्रोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दरअसल तहरीक इंसाफ चीफ इमरान की एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें वो एक शादी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है शादी हो कहां रही है? जी हां, ये शादी हो रही है प्रधानमंत्री निवास इस्लामाबाद में। यही है वो तस्वीर जो सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिकार चीमा की बेटी अनाम वसीम का ये निगाह था। ये बात 3 अगस्त की है और वेन्यू था पीएम हाउस पाकिस्तान। आपको बता दें लोगों ने इस फोटो पर अपना फीडबैक भी दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री इमरान की हरकत बिल्कुल रास नहीं आई है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मौके पर जश्न के लिए उसे किराए पर दे दें। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, इमरान खान इसे अपनी अगली शादी के लिए बचा कर रखें। आपको बता दें इससे पहले भी इमरान साहब की किरकिरी हो गई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखे विचार रविंद्रनाथ टैगोर के थे, लेकिन उन्होंने खलील जिब्रान का नाम दे दिया था। तो आपका क्या कहना है इमरान के इस वायरल फोटो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।